बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है। आप सब एहतियात करें, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। अगर कोई आपके हमसाया ऐसा है जिसके पास आजकल ज़राए आमदन कम हो गया है, खाने के लिए नहीं है, उसकी मदद करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस ही रखें। मैं जानता हूँ आम आदमी, एक घर में 5-5 लोग रहते हैं तो उनके लिए जो सोशल डिस्टेंस ही मुश्किल है, लेकिन इस वबा का मुकाबला लड़ना है। लेकिन मैं हुकूमत के इस इकदाम को सख्त नापसंद करता हूँ कि कहते हैं जी 200 पर्चे दे दिए, 50 बंदों को गिरफ्तार कर लिया। और खुदारा, ये कौम भूख से मर रही है, इनको वार्निंग दें। हमें भी एहतियात करनी चाहिए, हमें हुकूमत के साथ हर मुमकिन तआमुन करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को हमें दुश्मन मुल्क नहीं समझना चाहिए। गरीब आदमी अगर मोटरसाइकिल पे जा रहा है, एक आज लड़के ने मुझे कहा कि मुझसे 500 रुपया रिश्वत ले ली। अब मुझे बताए, एक चिंची रिक्शे वाला अगर 500 रुपया रिश्वत देगा तो रोटी क्या खाएगा? खैर, ये तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और दुनिया भर को कोरोना से बचा। नाज़रीन, कोरोना की वजह से अल्लाह बादशाह का घर खाना काबा में इस दफ़ा इतकाफ पर नहीं लोग बैठेंगे, इतकाफ पर लोग नहीं बैठेंगे। कोरोना की वबा से बचने के लिए एहतियाती तौर पर वहाँ पर भी सहरी और इफ्तारी का लंगर नहीं होगा। एक तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया भर से इस कोरोना की वबा ख़त्म करे। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर, हमारे यहाँ मोदी, नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की नवासी की शादी पर आया था तो आज तक मुस्लिम लीग ने खुशियाँ मना रही है। बांग्लादेश एक ऑफिशियल विजिट पर गए नरेंद्र मोदी, तो वहाँ की गयूर आवाम ने, वहाँ के बहादुर लोगों ने साबित कर दिया कि जिन कौमों में अपने मुस्लिम भाइयों का खून तड़प रहा होता है, एहसास होता है, वो खामोश नहीं रहते। मोदी के खिलाफ इतना खौफनाक एहतजाज हुआ कि 5 से 6 लोग शहीद हो गए। मोदी का जूते डंडे और ऐसे खौफनाक तरीके से खाफ उसका खता उसका इस्तकबाल किया कि वो दुम दबा के भोगा। वो भगोड़ा जो मुसलमानों का कातल था, वहाँ बांग्लादेश की आवाम का सामना भी नहीं कर सका। इसे कहते हैं कि कोई ना कोई तो टकरेगा ना। मोदी, तूने जो गुजरात में मुसलमानों का शहीद किया है, तू जहाँ जाएगा, तू जिथे नसेगा, तेन उथे अंडे वजन गए। मोदी, तू कि किथे नठेगा, जिथे नठेगा उथे अंडे वजन गए। नाज़रीन, मोदी बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह पर गया और वहाँ पर पाकिस्तान पर जहर उगलता रहा। इससे पहले वो ये दावा कर चुका है, भारत के वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी, कि वो पाकिस्तान को तोड़ने में, बांग्लादेश को तोड़ने में उसने किरदार किया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ की आवाम ने सड़कों पर बेपनाह एहतजाज किए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, तुम किस मुँह से बांग्लादेश आए हो? मकबूजा कश्मीर में 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं तुम्हारे जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी, कत्लो गारत और बदकारी जैसे बातों पे। इस पर मोदी पर सख्त एहतजाज किया गया और आवाम सड़कों पर आ गई, बाजार बंद हो गए, पुलिस ने बेपनाह लाठी चार्ज किया, आंसू किया, लेकिन हर एक ही नारा था मोदी वापस जाओ, मुसलमानों का कातल वापस जाए, मोदी वापस जाए, नरेंद्र मोदी नामंजूर। इस बात को बांग्लादेश के हर अखबार और नरेंद्र मोदी ने भी, भारत के अखबार ने लिखा कि भारत ने, बांग्लादेश ने मोदी की भारत में, बांग्लादेश में मौजूदगी को एक गाली समझा और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक गलीज नाम है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस पर उनका एहतजाज जारी रहा। इस पर नरेंद्र मोदी दुम दबाकर भागा। कहा जा रहा है कि इसमें 5 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, जो पुलिस ने लाठी चार्ज, फायरिंग और शेलिंग की, जो मुसलमानों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, मकबूजा कश्मीर में होने वाले जालम की आमद को एक जुल्म कह रहे थे। दूसरी तरफ जान नाज़रीन, नहायत ये मौका तो बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में एक सियासी शख्सियत के घर आता है तो वो उसको अपना क्रेडिट देते हैं। कौमें याद रख लें, अगर आज मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, शाम में हो रहा है, इराक में हो रहा है या किसी और हो रहा है, तो अगर मुसलमान एक ना हुए पूरे दुनिया के, तो ये बारी बारी आपको मारेंगे। ये इनको इस्लाम फोबिया है, इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। खुदारा, मैं सियासी जमातों की, पाकिस्तान को कहता हूँ, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है,
अपने इख्तलाफात जो ऐसे मर्जी करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई एक दूसरे को गिराए, लेकिन भारत के खिलाफ एक बयानिए प्यार आ जाए। हमारी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चंद रोज़ कबल पहले एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान भारत के साथ अमन चाहते हैं। हाँ, हम अमन चाहते हैं, हमें अमन भी कायम करना है। हम इस अमन की, हमारी इस ख्वाहिश को भारतीय वैशी मार खाने वाली नाकाम फौज के भारतीय चीफ के, आर्मी चीफ ने अखबारात में जो उनका छपा है, हमारी कमजोरी करार दे दिया। उसने समझा कि पाकिस्तान, हाँ, मजबूर बेबस होकर हमारे साथ दोस्ती का हाथ मिला रहा है, जिस पर आला सतही पाकिस्तान की इजलास हुआ और मोदी को पैगाम भेजा गया कि हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी के आर्मी चीफ जो भारतीय, उसने कहा कि पाकिस्तान ने घबरा कर आगे हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैंप मौजूद है, जबकि इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और उसका जिम्मेदार भारत है। हमने 80 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, अरबों खरबों रुपये का नुकसान पहुँचाया। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कैंप आपने भारत बनाए, अफगानिस्तान से आपने भेजे, हमने कुर्बानियाँ दी। हमारी पाक फौज का एक 21-22 साल का नौजवान, जिसकी शादी की उम्र थी, उसने कफन पहना, शहादत का रुतबा पाया, लेकिन तुम हमारी इस कमज़ोरी को भी, वो बेज़मीर भारतीय आर्मी चीफ, कमज़ोरी, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझते हो। तुम भूल गए हो 27 फरवरी को तुम्हारे जहाज कैसे गिराए थे, नरेंद्र अभिनंदन, किस तरह तुमने भीख में हमसे मांगा और हमने सबको दिया। गुलभूषण भेजते हो बलूचिस्तान में, हमने उसको पकड़ के तुम्हें तुम्हारी औकात बताई और बताया, पूरी दुनिया को जाके बताया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, जिसको यूएनओ ने भी माना, वर्ल्ड बैंक ने भी माना और आलमी ताकतों ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करा रहा है, जिस पर मकबूजा कश्मीर में इंटरनेशनल मीडिया जर्नलिस्ट आए तो तुमने उनको भी हकायक छिपाए, उन्होंने भी तुम्हारा काला स्याह चेहरा दिखाया। तो आज मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भारत को जवाब जाने वाला है कि अगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझते हो, तो अगर अभी कभी मैली आँख से देखा तो तुम्हारे नक्शे से नहीं रहोगे। हम जवाब देना जानते हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन आओ बैठ के जब मकबूजा कश्मीर में जुल्म करे उस पर माफ़ी मांगो, यूएनओ की करारदाद के मुताबिक उनको आज़ाद करो। नाज़रीन, ये हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भारतीय आर्मी चीफ साहब, दुश्मन तूने किस कौम को ललकारा है, किस पाक एस्टेब्लिश फौज को ललकारा है? तू नहीं जानता तेरा पहले क्या हाल किया था हमने? तू अब नहीं जानता कि भारत तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा? 20 से ज़्यादा लैदगी पसंद तरीके चल रही हैं, किसान मजदूर सब सड़कों पर है, चीन से 10 दफ़ा लद्दाख में तूने पिटाई खाई, पाकिस्तान से 10 दफ़ा शिकस्त तुमने खाई, हाँ चूहों की तरह अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कैंप कायम करके तुमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी ज़रूर कराई, लेकिन जब भी आमना सामना हुआ भारतीय फौज दुम दबा के भागी। ये हुआ कि मकबूजा कश्मीर में आपके लोग, याद रख लें, नौकरी पे नहीं जाते, फौजी छुट्टियों पर चले जाते हैं। तुम एक खौफज़दा फौज के सिपहसालार हो आर्मी चीफ भारती, तुम्हें गलत फहमी है। मैं बहरहाल नाज़रीन इस मौके पर बांग्लादेश की आवाम को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का जूतों से, डंडों से और नारों से ख़ताब किया, कातल कातल, मुसलमानों का कातल। नाज़रीन, ये एक अच्छी बात है, हमें यकीन है कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अमन के लिए हमेशा ख्वाहिश रहे हैं, कोशिश की है, लेकिन हमें अपने से 10 गुना ज़्यादा अपनी फ़ौज पर यकीन है। जिस दिन भारत ने मैली आँख से देखा तो उसके जिस्म पर वो आँख ही नहीं रहेगी, जो टांग पाकिस्तान की तरफ कदम चला वो टांग ही नहीं रहेगी, जो हाथ उठा कट जाएगा। हमारी यही गुजारिश होगी नाज़रीन, पाकिस्तान के अमन की कोशिश को, भारत की इस गलतफहमी को दूर करना होगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लोग अपनी ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट हिफाजत करना जानती है, बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ ताकत जवाब देने का भी रखती है। दर हकीकत
इन दिनों भारत दुनिया में अकेला रहता जा रहा है। चीन ने खूब लद्दाख में पिटाई की और बहुत बड़ा एरिया इससे छीन लिया। अफगानिस्तान में अमलन इसका अमल दखल ख़त्म हो गया। जो बाइडन ने आके और अमेरिकी वजीर खारजा और वजीर दफा ने पाकिस्तान के स्टेबलिशमेंट से मुलाकात की और कहा कि भारत को हम इससे दूर रखते हैं, हमने अफगानिस्तान से फौज को निकालना है 1 मई को, हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए और हमें कुछ टाइम भी चाहिए। हमसे तो आके पाक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान साहब से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक मदद मांग रहे हैं। मोदी साहब, हमने आर्मी चीफ आर्मी साहब भारती, हमारी अमन की ख्वाहिश है, इसलिए कि हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, बेगुनों का खून नहीं चाहते। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जवान और अफसर और ये पूरी कौम आप नबी पाक और पाकिस्तान की बवका और वक़ार के लिए, एक तो क्या 1000 दफ़ा भी जिंदा है तो ज़िंदगी देने जाते हैं, आपकी फ़ौज तो भाग जाती है। नाज़रीन, हमें यकीन है कि भारत 27 फरवरी को अपने गिरते हुए जहाज़ों की ड्रोने ख्वाब आज भी देखकर घबरा रहा है, इसलिए ये कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमने बताया कि सऊदी अरब में एक तकलीफ़ से बात हुई कि इस दफ़ा रमज़ानुमबारक की तराबियाँ नहीं होंगी, लंगर भी इफ्तारी और सारी का नहीं होगा। पाकिस्तान में खुदारा एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन हुकूमत वक्त होश के नाहुन ले, लोगों के खिलाफ बेपनाह मुकदमात करने के लिए जो रोज़गार नहीं है, एक तरफ मुकम्मल लॉकडाउन कर रहे हो, अगर कोई गरीब आदमी मास्क नहीं पहना जिसे पहनना चाहिए, खुदा के लिए मुकदमात के इंदराज को रोको, जुर्मानों को रोको, वार्निंग दो, धूप में खड़ा कर दो, क्योंकि इस वक्त हमें एक होने की ज़रूरत है। इस वबा ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया पर हमला किया है, हम इससे बच सकते हैं। मैं ये भी दुआ ख्वाहिश रखता हूँ हुकूमत और अपोजिशन अब जल्द से जुलूस और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमत कायम करने की बजाय कौम के साथ मिलकर एक आम शहरी की ज़िंदगी बचाने के लिए कानून साजी करेंगे। और ये जो जल्द से जुलूसों पर अरबों रुपये के पैसे लगाते हैं हुकूमत या अपोजिशन, ये कोरोना में मुस्तक लोगों की मदद के लिए उन्हें राशन पहुँचाएँगे। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, हकूमत को मैं एक सवाल पूछता हूँ, लातदाद चीज़ों की कीमतें रातों रात बढ़ गई और बढ़ाने वाले भी हमारे भाई हैं। खुदारा दुनिया में जिस भी मज़हब का कोई त्यौहार आता है वहाँ कीमतें कम हो जाती हैं, रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने आने से पहले कीमतों में इजाफ़ा, हमें भी शर्म करनी होगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने बताया, जबकि आपको एक ख़बर दे देता चलूँ, अमेरिका के इंटरनेशनल मीडिया ने क्लियर कर दिया है कि जो बाइडन ने भारत को कह दिया है कि आइंदा सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ज़रिए अमन कायम किया जाएगा, क्योंकि उधर मुजाहिदीन और तालिबान 1 मई से एक दिन भी अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में मुज़ाकरात जारी हैं, हमें एक कौम बनना है। हम हुकूमत और अपोजिशन से मुतालबा करते हैं एहतजाज और धरनों में अरबों रुपये लगाने की बजाय, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, कोरोना की वबा के लिए आम आदमी को वैक्सीन फ्री मुहैया की जाए। अगर आम आदमी खुशहाल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो इसके दुश्मन इस तो नबूद हो जाएंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। बेन मरियम नवाज और मौलाना फजलुर्रहमान बीमार हैं, हम इनके लिए भी दुआगो हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान और ख़ातून अव्वल भी बीमार हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं। अल्लाह तंदुरुस्ती सेहत ज़िंदगी दे। आओ बाहमी इख्तलाफात को दुश्मनी ना बनाएं, आओ मिलकर नए पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।